हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म नाइट बुक्स के बारे में। जो फिल्म अब बड़ों को देखनी भी चाहिए या नहीं, वो डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के। इस फिल्म की कहानी का पूरा फोकस फिल्म के 3 कैरेक्टर्स पर किया जाता है, खास करके एलेक्स पर, जिस कहानी में हम एलेक्स को अपनी उम्मीदों को टूटता हुआ देखते हैं, जिससे थक हार कर वो सीधे अपने घर को छोड़कर एलिवेटर की तरफ जाता है और वहां से सीधे वो एक विच की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात यास्मीन के अलावा विच की कैट लेनोर से भी होती है, जिसका काम वहां पर उन दोनों पर नजर रखने का है। और विच का मकसद उन दोनों से यहां पर किस तरीके का काम करवाना है और क्या इस ट्रैप से एलेक्स और यास्मीन निकल भी पाए गया नहीं, वही सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। और अब बच्चों की फिल्म होने के हिसाब से आप इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बट अगेन सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका समय इस बच्चों की हॉरर थ्रिलर फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं, तो चलिए अब उन डिटेल्स की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बच्चों की कैटेगरी की हॉरर फिल्में बनाना काफी ज्यादा टफ होता है, जिनमें कुछ ही अच्छी फिल्में इस लिस्ट में शामिल हो पाती है। याद रहे, मैं बच्चों की कैटेगरी की हॉरर थ्रिलर फिल्मों की बात कर रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। और रिसेंटली इस लिस्ट में शामिल गूज़बम्प्स जैसी फिल्म भी हुई थी, यानी कि उसका फर्स्ट पार्ट। लेकिन अब उससे भी ऊपर मेरे हिसाब से मुझे अब नेटफ्लिक्स की इस फिल्म नाइट बुक्स को रख देना चाहिए। जी हाँ, इस फिल्म को इतनी परफेक्शन के साथ बनाया गया है कि ये फिल्म बच्चों से लेकर बड़े तक को बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करती है, लिटरली काफी ज्यादा, जिसे देखते वक्त सबसे पहली बात यही है कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। और ऐसी फिल्मों में इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ हद तक ऐसी फिल्में अपने रास्तों से भटककर बच्चों की ही फिल्में बनकर रह जाती है। लेकिन ये फिल्म उन सब में 4 चांद लगाते हुए एक तो हमें काफी अच्छी स्टोरी भी देती है, वो भी बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स के साथ। लेकिन याद रहे, फिल्म बच्चों की है तो आप ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इस फिल्म में कहानी के इंटरेस्टिंग होने के अलावा स्पूकीनेस उतनी भी ज्यादा नहीं होगी, बल्कि उसका भी लेवल फिल्म में काफी अच्छा रखा गया है। और आप कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के चलते उन कैरेक्टर से इतनी अच्छी तरीके से रिलेट करते हो कि आप चाहते हो कि वो कैरेक्टर्स अपनी उस मुसीबतों का सामना कर यहाँ से बाहर निकले। कैसे, उसका पता तो आपको फिल्म में ही चलता है। साथ ही साथ अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर विच के रोल में क्रिस्टिन ब्रिटी का काम काफी लाजवाब है, जो डरावनी नहीं बल्कि एक ऐसी विच दिखती है जिसके पीछे भी एक मतलब है। उसके अलावा फिल्म में कैट यानी कि लेनोर का कैरेक्टर भी आपको पसंद आता है, जो हर चीजों पर नजर छुप कर रखता है। बाकी बचे फिल्म के 2 लीड यानी कि एलेक्स और यास्मीन के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे विंसलो फेगली और लिडिया जेवेट, तो वो भी अपने रोल के साथ में जस्टिस करते हैं, यानी कि उनकी भी परफॉर्मेंस आपको फिल्म में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि पूरा फोकस उन्हीं के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर किया गया है। बाकी आ जाए फिल्म की स्टोरी की अडेप्टेशन पर, तो फिल्म की अडेप्टेशन इसी सेम नाम की नॉवल से की गई है, जिसे मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, इसलिए शायद से मैंने इस फिल्म को काफी ज्यादा इंजॉय किया है। और मैं चाहूंगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट निकल कर आए, जिसका थोड़ा सा तो हिंट दिया ही गया है। बाकी देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि नेटफ्लिक्स इस फिल्म के प्रोजेक्ट पर आगे काम भी करेगा या नहीं। और अब बात कर ले फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की, तो फिल्म के कम VFX हमें फेक नहीं लगते, ना ही फिल्म का कमाल का डायरेक्शन। इसके अलावा फिल्म के BGM, फोटोग्राफी, सेट डिजाइनिंग से लेकर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है, यानी कि फिल्म के बजट का अच्छा खासा ध्यान रखा गया था, इस बात को भी ध्यान में रखकर कि ये बच्चों की फिल्म है। लेकिन अगेन ये सभी चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि अगेन फिल्म काफी अच्छी है, जिसका क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर यारोवस्की को जाना ही चाहिए, जिन्होंने इसके पहले अपने करियर में एक काफी नोन फिल्म ब्राइटबर्न बनाई है, और उनका ये प्रोजेक्ट भी कमाल का निकला, यानी कि डेविड हॉलीवुड में अपनी पकड़ आगे और भी काफी ज्यादा अच्छी बना सकते हैं। डिपेंड करता है उनके प्रोजेक्ट के सिलेक्शन पर, जो आगे और कितनी अलग फिल्मों को लेकर करते हैं। और अब जैसे कि मैंने कहा, ये काफी अच्छी फिल्म है, इसलिए सीधे आते हैं और ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए 5 में से 8 स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि बच्चों के हिसाब की फिल्म है और एक्शन भी उसी लेवल के है। बाकी बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए 5 में से 2.5 स्टार बिल्कुल ठीक है, ड्रामा के लिए 5 में से 3, जिसे मैं इस फिल्म के हॉरर और थ्रिल के लिए भी रखूंगा। हालांकि फिल्म इतनी भी ज्यादा हॉरर नहीं है, लेकिन उसमें हॉरर और थ्रिल का एलिमेंट बच्चों को ही ध्यान में रखकर डाला गया है, इसलिए हमें फिल्म में क्रिएचर्स को मारते वक्त भी लाल कलर का खून नहीं बल्कि अलग ही रंग का खून दिखाया गया है। यही चीज बाकी दूसरी चीजों में भी आपको देखने मिलती है, जिसका पता तो अगेन आपको फिल्म देखकर ही चल जाएगा, खास करके बच्चों को, जिन्हें ये फिल्म बहुत ही ज्यादा डराएगी। और अगर उनके हिसाब से हॉरर और थ्रिल की कैटेगरी की रेटिंग सेट करें, तो ये रेटिंग सीधे 5 में से 5 स्टार डिजर्व करेगी, लेकिन एडल्ट के लिए 5 में से 3। बाकी आवाज आए फिल्म के सस्पेंस पर, तो फिल्म काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी एक ट्विस्ट के चलते सस्पेंस के लिए रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की ठीक है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये फिल्म ए की कैटेगरी की है, यानी कि एक मस्ट वॉच और काफी अच्छी फिल्म, जिसे मासी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेगी, लेकिन क्रिटिक्स बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म C+ की कैटेगरी की है, लेकिन मैं इस फिल्म को B की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक मस्ट वॉच, जिसे बहुत ही
समझकर बच्चों से लेकर एडल्ट तक की ऑडियंस के लिए बनाया गया और हर ऑडियंस इस फिल्म के मजे लेगी जैसे मैंने लिए है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म नाइट बुक्स को लेकर, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर भी, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपको जल्द से जल्द दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।